छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईएनएच न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि इस बार का बजट भरोसे का बजट था। हमने हर वर्ग का विश्वास जीता है, इसलिए ये भरोसे का बजट है। महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बजट में प्रावधान किया गया। प्रदेश सरकार के वित्तीय अनुशासन की वजह से इस बार सरप्लस बजट बना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बजट पेश किया, ये उनका पांचवा बजट है और भरोसे का बजट इसे कहा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कि कैसे भरोसे का बजट, कैसे भरोसे का बजट है सर। भरोसा इसलिए कि हमने किसानों को भरोसा जीता है, मजदूरों को भरोसा जीता है, हमने गौपालकों को भरोसा जीता है। अब हमारे जो आंगनबाड़ी है, कार्यकर्ता है, सहायिका है, मितानीन है, उसका भी भरोसा हमने कायम रखा कि ये सरकार भरोसे की सरकार है। हमारे कोटवार हैं, हमारे होमगार्ड हैं, हमारे पटेल हैं, उनका भरोसा कायम है। हमारे आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति, हमारे युवा वर्ग जिसके हमने 2500 रुपया दिया है, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उसके लिए भी हमने 800 करोड़ का स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लिए भी व्यवस्था की है। वहीं जो आश्रम में, छात्रावास में जो बच्चे रहते थे उनके लिए 1000-1500 रुपया उसका हमने व्यवस्था की है। भोजन के लिए 700 जगह 1200 रुपये किया है। जो उन्होंने मांग की थी तो वो भरोसा हमने कायम रखा है, इसलिए भरोसे के बजट है। ये जरूर सब जानना चाहते हैं कि ऋण आपने लिया नहीं, केंद्र सरकार से बहुत अधिक सहयोग हो नहीं पा रहा है, फिर ये सरप्लस बजट कैसे चमत्कार किए? ये इसलिए कि हमने वित्तीय अनुशासन बना के रखा, नंबर एक। नंबर दो, ये हमारे आय के संसाधन हमने बढ़ाए, आय में वृद्धि करने के और कटौती में कंट्रोल हमने किया, वित्तीय अनुशासन बनाए के रखा, इस कारण से संभव हो पाया है। और लगातार देखेंगे कि भारत सरकार से हमको 49,000 करोड़ मिलने की संभावना है और राज्य के राजस्व के 56,000 करोड़ का, तो उससे तो अधिक ही है। पहले एक दो बार हुआ है कि केंद्र सरकार के हिस्सा कम हो और राज्य सरकार के हिस्सा ज़्यादा हो, ये पहली बार हो रहा है। पहले एक आध दो बार और हुआ है, इसके पहले तो केंद्र का हिस्सा ज़्यादा होता था, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी कटौतियाँ होती, फिर भी हम बाजार से ऋण नहीं लिए हैं, ये बड़ी बात है। FRBM एक्ट के उसकी सीमा है, उसके अंडर ही हैं। और विपक्ष जो कहते हैं ना कि ये कर्ज में डुबा दिया है, तो बताना चाहूँगा कि किसान भी एक अच्छा अर्थशास्त्री हो सकता है, किसान भी अच्छा अर्थशास्त्र। मेरा एक सवाल इस बात को लेकर है, विपक्ष के जो भी मुद्दे थे, पीएम आवास पे आपने कह दिया कि सर्वे कराएंगे, धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे थे, अब आप इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल कराने जा रहे हैं, ये विपक्ष से लगातार सारे मुद्दे छीनते जा रहे हैं, बोलो राजनीति कैसे करेंगे? हमारी संस्कृति को हम बढ़ावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को तो नक्सलगढ़ के नाम से पहचान बना दी थी रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने, हम वो उसके बारे में अब चर्चा नहीं करती, न प्रदेश के भीतर न प्रदेश के बाहर। अब तो लोग छत्तीसगढ़ के यहाँ की संस्कृति, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के रोजगार, यहाँ गोधन न्याय योजना, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, यहाँ मिलेट्स मिशन, इन सब की चर्चा होती है, यहाँ आदिवासी नृत्य महोत्सव की चर्चा होती है। तो ये जो हमारी जो धरोहर है उसको हम सहेजने, संवारने और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ की पहचान अब दूसरे माध्यम से हो रही है छत्तीसगढ़। सबकी नज़र इस बजट पे लगी थी, 2023 में चुनाव भी है, उस लिहाज से कितना आप सबकी उम्मीदों पर खरा पाते हैं इस बजट को? देखिए, जहाँ तक कि हमारे अन्नदाता है, हमारे मजदूर साथी है, हमारे जो व्यापारी हैं, वो तो हमसे पहले ही खुश थे। अब जो थोड़े बहुत जिनकी मांगे थी, जिसको हमने घोषणा पत्र में शामिल किया, उनको भी हमने पूरा कर दिया है। तो अब तो अधिकांश लोग हैं छत्तीसगढ़ के, वो न कोई संतुष्ट हैं बल्कि प्रसन्न हैं। कुछ लोग हैं जिसके नाराज़गी हमको दूर करना है, और उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। तो सबकी नाराज़गी को दूर किया, और कुछ लोग ऐसे भी जिनकी नाराज़गी दूर नहीं हो सकती, ये कहते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कैमरामैन इकराम के साथ गौरव शर्मा, आईएनएच न्यूज़ रायपुर।